सोलन मानव भारती विश्वविद्यालय में जहां शिक्षा का व्यापार चलता था, फर्जी डिग्रियां लाखों रुपए लेकर बेची जाती थी, ये खुलासा एसआईटी की टीम पहले ही कर चुकी है और हजारों फर्जी डिग्रियां बरामद भी कर चुकी है। इस फर्जीवाड़े को लेकर संबंधित कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड राजकुमार राणा भी पुलिस की गिरफ्त में है, जिसकी जमानत याचिका की सुनवाई सोलन जिला न्यायालय में लगी थी, जिसमें अभी माननीय न्यायाधीश ने जमानत को लेकर कोई फैसला नहीं लिया। अब अगली सुनवाई 5 अगस्त को होनी निश्चित हुई है, ये जानकारी डीएसपी रमेश शर्मा ने मीडिया को दी। रमेश शर्मा ने बताया कि डिग्री फर्जीवाड़े के मुख्य अभियुक्त राजकुमार राणा की जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसमें पुलिस की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। उन्होंने बताया कि कई कंपनियों से उन्हें पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें उन्होंने कई डिग्रियों के बारे में पूछा है। ऐसे ही उन्हें कई पत्र विदेश से भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें उन्होंने डिग्रियों की जांच करने के लिए आग्रह किया है। अब एसआईटी इन डिग्रियों की जांच भी कर रहा है। उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि पूरे देश भर में इस विश्वविद्यालय ने अपने सेंटर्स का जाल बिछाया हुआ था। एसआईटी को अंदेशा है कि इन सेंटर्स से भी डिग्रियों की खरीद फरोख्त चलती थी, इसलिए इनका भी अन्वेषण किया जाना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के चलते अभी यह अन्वेषण नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्द ही ये जांच पूरी कर ली जाएगी। मानव भारती केस का अन्वेषण अभी चला हुआ है और आज इसका जो मुख्य अभियुक्त है राजकुमार राणा, वो उसकी जमानत की याचिका जो है अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायालय सोलन में लगी थी, जहां पर हमने अपना पक्ष रखा है और आगामी सुनवाई जो है वो 5 अगस्त के लिए माननीय अदालत ने निर्धारित की है। अभी इस केस में अन्वेषण जारी है, क्योंकि इस केस में जो प्रदेश से बाहर के राज्यों में है, दूसरे राज्यों में अन्वेषण किया जाना है, लेकिन COVID-19 के चलते बाहर जो टीमें भेजना वो संभव नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से थोड़ा अन्वेषण इसमें अभी नहीं किया जा रहा है। अभी अगर हम बात करें तो इस अभियोग के संदर्भ में हमारे पास कुछ कंपनी से भी पत्र आए हैं, जिसमें कि मानव भारती की डिग्रियां उन्होंने हमसे अनुरोध किया है कि इनको वेरीफाई किए करें कि वो सही है या गलत है, उनकी भी जांच की जा रही है। विदेश से भी कुछ कॉल समय आई हैं मानव भारती की डिग्रियों के संदर्भ में, जिनसे हमने डिग्रियां मंगवाई हैं, उनको पत्राचार कर रहे हैं और उनकी जो सत्यता है उसकी भी जांच की जा रही है। बाकी जो नियमित अन्वेषण है वो चल रहा है। जिस प्रकार से इनके जो सेंटर्स थे पूरे देश भर में, जहां से इनके पास इस तरह की एडमिशन्स आती थी और जिनके माध्यम से ये डिग्रियों का कारोबार चलता था, उन सभी की तस्दीक और जांच की जानी आवश्यक है, जो हम कर रहे हैं।